देश में लिंग अनुपात को संतुलित बनाए रखने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तमाम जागरूकता अभियान के माध्यम से भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर अंकुश लगाने का संदेश दिया जा रहा है। सोमवार को दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जब आम आदमी पॉलीक्लिनिक के आशा वर्करों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली रोहिणी सेक्टर 4 स्थित आम आदमी पॉलीक्लिनिक से शुरू की गई, जिसके बाद रोहिणी सेक्टर 4 और विजय विहार के विभिन्न गलियों और चौक चौराहों से होती हुई गुजरी। तमाम पोस्टर और बैनर के माध्यम से आशा वर्करों ने बेटा बेटी एक समान का संदेश दिया। इस मौके पर जानकारी देते हुए पॉलीक्लिनिक के इंचार्ज डॉक्टर अक्षय ने बताया कि 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच बेटी शक्ति के रूप में एक अभियान के तौर पर मनाया जाता है। इसी अभियान की हिस्सेदारी निभाते हुए आशा वर्करों द्वारा यह जागरूकता रैली निकाली गई। डॉक्टर अक्षय ने बताया कि इस जागरूकता रैली का एकमात्र मकसद है कि लोगों को लिंग अनुपात के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने अपील भी की कि बेटा बेटी में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और बेटे की परवरिश भी बेटे की तुलना में एक समान अधिकार से करना चाहिए। बेटी शक्ति अभियान इस दौरान हम सेलिब्रेट करते हैं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं जो 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हमारे यहाँ आशा रैली निकाली गई है, बेटियों को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि जन को जब बेटियाँ जन्म लेती हैं तो उनके जन्म का भी उत्सव मनाएं, उनको प्रोत्साहित करें। सेक्स रेशियो जो रहता है वो काफ़ी कम है गर्ल्स का, लड़कों के मुकाबले बहुत कम लड़कियाँ होती हैं, तो यही प्रोत्साहित करने के लिए कि लड़के और लड़की एक समान है, लड़कियों को भी समान अवसर मिले और उनको आप पैदा होने के भी अवसर दें। वो PCPNDT के अंदर हम लोग हर बार एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एरिया में जागरूकता पैदा करते हैं कि बेटा और बेटी समान है। अभी हम आशा वर्कर के थ्रू आज एक रैली निकाल रहे हैं और वो हमारे पूरे एरिया में सेक्टर 4 और विजय विहार में आशा लोग और हम सब लोग साथ मिलकर एक रैली निकाली है, जिसमें कि पूरे एरिया को हम अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग लड़का लड़की में कोई फर्क ना करें और बेटा बेटी एक समान सोच के उनकी परवरिश करें, लड़कियों को भी सेम तरह से ही पढ़ाई कराएं और उसी हिसाब से उनको खाना पीना भी बराबर का और उनको हर हक मिलना चाहिए। गौरतलब है कि समय समय पर सरकार और कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी लिंग अनुपात को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी मुहिम में पॉलीक्लिनिक के आशा वर्करों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए यह जागरूकता रैली निकाली। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि इस तरह की जागरूकता रैली का समाज पर कितना असर पड़ता है और लिंग अनुपात में भविष्य में किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।